नमस्ते दोस्तों, आज मैं अलग तरह की बाटी बताने जा रही हूँ। पहले सत्तू लेते हैं, उसमें मंगरेल कलौंजी डालते हैं और अजवाइन, 1 से 1.5 चम्मच अजवाइन रहता है तो अच्छा रहता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है। और फिर उसमें नमक स्वाद के अनुसार, फिर हम उसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे 1 चुटकी के आसपास, और तेल मतलब छोटा चम्मच है, आप बड़े चम्मच से 3 या 4 चम्मच डालिए। तेल कच्चा बहुत अच्छा लगता है बाटी में उसका स्वाद। फिर उसमें लहसुन धनिया डाला पहले, फिर प्याज डाला, लहसुन मिर्चा और अदरक, अगर आपके पास मोटा लाल मिर्च है अचार का तो वो डाल दीजिए, या आम का अचार हो डाल दीजिए, नींबू का भी अच्छा लगता है उसका स्वाद। और आधा नींबू मैंने निचोड़ के उसमें डाल दिया है, और फिर इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके अच्छे से रख देंगे, अगर जो तेल कम होगा या खट्टा कम होगा थोड़ा सा, वो कच्चा वो कर देख के फिर इसमें हम मिला लेंगे और थोड़ा सा तेल कि वो। फिर हम चोखा बनाएंगे, हमने आलू उबाल के ले लिया है, उसमें थोड़ा नमक धनिया टमाटर लहसुन मिर्चा और थोड़ा सा कच्चा तेल और नींबू का रस, कच्चा तेल डालते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में चोखा में। और उसको हाथ से दबा दबा के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने बैंगन नहीं डाला है, हम लोग बैंगन और आलू मिक्स करके चोखा बनाते हैं। फिर इसको जो है इसमें बाटी में भरेंगे और ऐसे गोला बनाते हुए ऐसे दबाते हुए और हल्का सा जो है हाथों से हम इसको प्रेस कर देंगे थोड़ा। और आग की बाटी और तलने वाली भी कड़ी, थोड़ा हल्की कड़ी होती है, लेकिन आप ये वाली बाटी बनाएंगे ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। हम पानी रखेंगे भगोने में, पानी जब खौलने लगे अच्छे से तभी हम इसमें बाटी डालेंगे, अगर पानी खौलता नहीं रहेगा तो ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और हम इनको डाल देंगे जितना उस भगोने में आ जाएगा देख के, और फिर ढक देंगे, थोड़ा सा बीच बीच में देखते रहेंगे नहीं तो, और ये अपने आप ही सारा ऊपर आ जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। और फिर हम इसको 5 मिनट तक उबालेंगे अच्छे से पक जाए, फिर इसको हम निकाल के रख लेंगे, ठंडा कर देंगे, और फिर इसे थोड़े से तेल में फ्राई करेंगे, लाल लाल फ्राई कर लेंगे। इसको ऐसे लाल लाल निकाल लेंगे, सच मानिए ये बहुत ही अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बाहर से वो लाल लाल आपको बिल्कुल कड़े नहीं दिखेंगे। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आप एक बार बना के देखिएगा, अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।